अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। ये आपकी एडोब फोटोशॉप की पहली क्लास है। इस क्लास में हम एडोब फोटोशॉप का थोड़ा इंट्रोडक्शन और ग्राफिक्स के हवाले से थोड़ी नॉलेज लेंगे। सबसे पहले तो एडोब फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो टूल्स, मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करते हुए आपके जो इमेज है एक उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं। आप सॉफ्टवेयर में मौजूद टूल्स को यूज़ करते हुए उस फोटो को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर मौजूद एसेट्स को आप जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप किसी भी फोटो में से कोई एसेट उठाकर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगा सकते हैं। आप उसके अंदर मौजूद किसी चीज़ को डुप्लीकेट कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पर। ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल्स हैं सिंपल फोटो मैनिपुलेशन की जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप जो है वो मेजरली रास्टर ग्राफिक्स पे काम करता है। मेजरली का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये किसी किसी जगह पर वेक्टर ग्राफिक्स पे भी काम करता है। हम इसको ग्राफिक्स, रास्टर ग्राफिक्स के लिए यूज़ करते हैं और ये बना भी रास्टर ग्राफिक्स के मैनिपुलेशन के लिए है। रास्टर ग्राफिक्स जो है वो आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स होती हैं, जो आपकी ऑन स्क्रीन ग्राफिक्स होती हैं। और ये रास्टर ग्राफिक्स बनती हैं सिंपल आपके एक स्मॉल स्क्वायर्स से मिलकर जो है आपकी एक रास्टर ग्राफिक्स की इमेज बनती है, और उस एक स्क्वायर को हम पिक्सल कहते हैं। और ये एक स्क्वायर जो है वो एक सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी इमेज का जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वेक्टर ग्राफिक्स भी होती है, उसको हम बाद में लेटर ऑन जो है स्टडी करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर जिनकी मदद से मिलकर आपकी एक इमेज क्रिएट होती है उसे हम पिक्सल्स कहते हैं, और उन पिक्सल्स की मदद से जो है हम जो इमेज बनाते हैं वो रास्टर इमेज कहलाती है। अब मैं आपको बता दूं कि रास्टर इमेज के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पे जब आप जूम करेंगे, ये मैंने एक स्क्वायर एडोब फोटोशॉप के अंदर बनाया हुआ है, जब आप इसे जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का पैटर्न नज़र आएगा, ठीक है। आपको डिफरेंट बॉक्सेज नज़र आएंगे, ठीक है, स्मॉल बॉक्सेज। ये जो स्मॉल बॉक्सेज हैं ये आपके रास्टर इमेज के पिक्सल्स हैं। एक पिक्सल के अंदर एक किस्म का कलर होता है, और ऐसे हजारों पिक्सल्स की मदद से आप जो है आपकी एक रास्टर इमेज बनी हुई होती है। आपने ये देखा कि एक पिक्सल क्या होता है। अब एक पिक्सल जो है वो उसके अंदर एक ही कलर होता है। अब ये जो पिक्सल्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी इमेज के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, तो वो उस हिसाब से आपकी जो है आपके इमेज की क्वालिटी और रेजोल्यूशन के ऊपर जो है वो इफेक्ट करते हैं आपके ये पिक्सल्स। तो ग्राफिकल यूनिट है आपकी एक ग्राफिकल यूनिट जो आपकी एक ऑन स्क्रीन इमेज का होगा वो PPI होगा। इसकी फुल फॉर्म है पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर इंच। तो पिक्सल्स पर इंच के हिसाब से हम ये देखते हैं कि हमारी जो एक ऑन स्क्रीन इमेज है, ठीक है, उसके अंदर कितने पिक्सल्स, एक इंच के अंदर एक इंच जो है उसके अंदर एक कितने पिक्सल्स आपके मौजूद हैं, ठीक है। तो वो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी जो इमेज है उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी। आप इजीली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है एक 2x2 की फोटो बनाई है, ठीक है, 2x2 इंच की। अब आपने उसकी रेजोल्यूशन दी है 72, ठीक है, 72 ये रेजोल्यूशन आपने दी। इसके आगे आपको लिखा हुआ होगा यूनिट पिक्सल्स पर इंच, तो आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि आपकी इमेज के इस एक इंच में कितने पिक्सल्स हैं। 72 मल्टीप्लाई बाई 2x2 इज इक्वल टू 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 72 से, तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप हमारी इमेज के अंदर जो 2x2 इंचेस यानी कि 2 इंचेस हाइट और 2 इंचेस विड्थ, ठीक है, उसके अंदर एक
कितने पिक्सल्स मौजूद होंगे। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 72 4 288 होता है, ठीक है। तो 288 पिक्सल्स होंगे आपकी पोस्टिंग इमेज में जो आपने बनाई है 2x2, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इमेजेस होती हैं हमारे पास, तो एक तो ऑन स्क्रीन कुछ इमेज, एक इमेजेस होती हैं हमारे पास हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी में मतलब प्रिंटेड इमेजेस, ठीक है। तो उन इमेजेस के अंदर भी ग्राफिकल यूनिट्स यूज होते हैं और वो इमेजेस भी कंप्यूटर की मदद से ही प्रिंट की गई हैं। तो उनका जो ग्राफिकल यूनिट होता है वो थोड़ा चेंज होता है, वो होता है आपका DPI, यानी कि डॉट्स पर इंच, ठीक है, डॉट्स पर इंच। और ये भी आपके पिक्सल्स की तरह ही होता है, डॉट्स से मिलकर आपकी इमेजेस जो हार्ड कॉपी की इमेजेस हैं वो बनती हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर देखा हो तो इसकी एग्जांपल एक न्यूज़पेपर में आपको इजीली मिल जाएगी कि अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके अंदर डॉट्स जो है काफ़ी वाजे होते हैं, एक तो इसलिए कि वो ब्लैक एंड वाइट पर प्रिंटिंग हुई भी होती है तो आपको ईजीली डॉट्स नज़र आ जाते हैं। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पैटर्न एक नज़र आएगा डॉट्स का, जो डॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। इसके भी कैलकुलेशन आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे आपने अपने ऊपर इमेज के लिए की थी, ठीक है, DPI की। अब हम जरा फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सही। अब हम एडोब फोटोशॉप की बात करते हैं, जब हम एडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं तो ये हमारा इंटरफेस में मिलता है, हमने अभी कोई फाइल ओपन नहीं की है। सबसे पहले तो आपको क्रिएट न्यू और ओपन के ऑप्शंस नज़र आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ थंबनेल्स नज़र आएंगे जो आपकी रिसेंट फाइल होंगी। अगर आपको ये स्क्रीन का पैनल नज़र नहीं आ रहा, स्क्रीन का ये पार्ट नज़र नहीं आ रहा, या इसके अलावा आपको या ये पार्ट इनेबल नहीं है, तो आप ऊपर जो आपका मेन्यू है वहाँ से आप फाइल के ऑप्शन में जाकर न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम क्रिएट न्यू यहाँ पर क्रिएट करेंगे टू क्रिएट अ न्यू फाइल। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये हमें एक न्यू पॉपअप विंडो दे देगा जिसके अंदर हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें कैसी फाइल चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम आएगा, ठीक है, कोई भी नाम आप दे दें अपनी मर्जी से, मैं नाम छोड़ रहा हूँ। उसके बाद हम आएंगे विड्थ पे, विड्थ जो है आप बताएंगे उसको कि कितनी रखनी है, बट आपकी जो इमेज है जो आप अपनी फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसकी विड्थ आपने कितनी रखनी है। मैंने यहाँ पे 1000 दी है, ठीक है, मैं इसको 1024 कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हाइट हमने दी है 700, हाइट को मैं कर लेता हूँ सॉरी 500 हाइट है, तो इसको मैं 720 कर देता हूँ, ठीक है। 1024 विड्थ हो गई और हाइट हो गई हमारी 720। अब इसके आगे आपको नज़र आ रहा है पिक्सल्स लिखा हुआ, ये पिक्सल्स क्या है, यहाँ से हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी यूनिट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे पास पिक्सल हैं, इंचेस हैं, सेंटीमीटर हैं, मिलीमीटर हैं, पॉइंट्स हैं, पिकल्स हैं, लेकिन फिलहाल हम जो है पिक्सल्स पर काम करेंगे, ठीक है, इंचेस के बारे में हम बाद में देखेंगे। इसके बाद है हमारे पास ये विड्थ हो गई, ये हाइट हो, और ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो टाइप्स की होती है, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में हमारे पास हाइट हमेशा ज़्यादा होती है और लैंडस्केप ओरिएंटेशन में हमारे पास हमेशा विड्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। फिलहाल हमने लैंडस्केप की ओरिएंटेशन रखनी है, विड्थ हमारे पास 1024 है और हाइट हमारे पास 720 है। जैसे कि मैंने पहले आपको रेजोल्यूशन के बारे में बताया है कि 72 आगे लिखा हुआ है पिक्सल्स पर इंच, तो इसके भी दो यूनिट्स हैं, पिक्सल्स पर इंच और पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। हम यूज नहीं करते पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, हम पिक्सल्स पर इंच यूज़ करते हैं 72। तो जब आप किसी भी ऑन स्क्रीन इमेज के लिए काम कर रहे हैं तो आपका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 72 मिनिमम होना चाहिए। बढ़ा सकते हैं आप,
फॉर बेटर क्वालिटी और एंड बेटर रिजल्ट्स, लेकिन जो है सबसे कम रेजोल्यूशन जो है वो 72 है। 72 से नीचे आप नहीं जा सकते, क्योंकि इसके अगर आप 72 से नीचे जाएंगे तो फिर आपका जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। इसके बाद हमारे पास है कलर मोड, RGB हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और 8-bit हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कंटेंट में हमारे पास डिफरेंट चीज़ होती हैं, वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर। अब आप इसको स्क्रोल करेंगे तो आपको नीचे दो और ऑप्शन मिलेंगे, ट्रांसपेरेंट और कस्टम, ठीक है, वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट और कस्टम। आप कोई भी टाइप ले लें बैकग्राउंड की, बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं इजीली, इट डजंट मैटर दैट मच, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं कि हम अपनी फाइल को क्रिएट करें। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारी फाइल यहाँ पर बन के आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये आपका है फोटोशॉप का इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं इसे, ठीक है। इस इंटरफेस में मौजूद टूल्स की मदद से हम इमेज, डिफरेंट इमेज मैनिपुलेशन करते हैं और डिफरेंट टाइप की जो है फोटो एडिटिंग करते हैं। इनके बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपने सिलेक्शन के बेसिक टूल्स और मोर टूल को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।